नासिर उस्ताद के फेवर में हम हमारा ग्रुप पूरा है इंशाल्लाह, नासिर उस्ताद को जीत के लाने की कोशिश करेंगे, अब अल्लाह ताला की मर्जी। नासिर उस्ताद महफिल शमा है, बुझाओगे तो पछताओगे। नासिर उस्ताद महफिल शमा है, बुझाओगे तो पछताओगे, अगर ये बुझ गए तो उजालों को तो रह जाओगे। कब होती बोलते, इलेक्शन के 14 दिन जब तकलीफ होती है उनको, भाई सीट बचाना है, हमारे को सीट बचाना है, कांग्रेस को जिताना है। क्या करी कांग्रेस हिजाब के मामले में, कितने 7 मुस्लिम MLA है ना कांग्रेस के, कौन बात करे? ये सीट बचाए वाले बात करना ना, औरत है ना, बात करे क्या भाई? ये सवाल पूछेंगे ना आप उनको, यहाँ स्ट्राइक करें हम DC ऑफिस में, बोलते हैं उन्होंने, क्या बोलते हैं? अरे DC ऑफिस में तुम स्ट्राइक क्यों करे? मंगलोर के बच्चियों को पकड़े, स्कूल के बच्चियों को, वहां जाओ असेंबली में बहस करो। NRC के मतलब पूरे हिंदुस्तान भर में एक तारीख बने हम लोग। गुलबर्गा बंद भेजा मेरे को जब गिरफ्तार करे, आप सब लोग आए थे जब मैं उधर गिरफ्तार होता था, आए पूरे लोग, कैसा कहीं को है तड़प है ना, हमारे एक आदमी को आगे बढ़ रहा है उसके साथ देना, बोल के आए ना आप, उन्होंने असेंबली में इतनी बड़ी एहतजाज, सब लोग पूरे रोड पे उतरे, उन्होंने बात करना ना, बात करे सुनेंगे आप, बात करे सो नहीं सुनेंगे ना, पूछना कांग्रेस को वोट डालो बोलने वाले को आगे पूछना, साहब वो मोहतरमा NRC के अंदर असेंबली में क्या तकरीर दिया, वो जरा कॉपीज बताओ हमारे को, दिखाओ, वोट डालते बोलो, वोट डाल दिया उनको NRC के बारे में, असेंबली में क्या तकरीर करे तुम हमारे को सुनाओ, करना मेरे नहीं, हम पढ़ाते हैं हमारे दोस्त को ऐसे बोल के, कोई मामले में बोलने वाले नहीं, ये जो हमारे मिल्लत के जो ठेकेदार है आप निकलते हो डराने के लिए, निकलते हो भाई थोड़ा फर्क हुआ तो BJP जीतती, तुम कांग्रेस को वोट डालो बोलते हो। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आप कांग्रेस को वोट डाले तो कांग्रेस जीतती, मेरे को वोट डाले तो मैं नहीं जीतता क्या? सब लोग देखो कि मेरे को डाले तो मैं नहीं जीतता, क्यों मेरे वोट आधे गिनते हैं? आपके घर के 10 वोट कांग्रेस डाले तो 10 गिने जाते हैं, मेरे को 10 डाले तो 5 गिने जाते हैं। 5 साल BJP के खिलाफ लड़ने वाले का साथ देना है कि 5 साल में एक बार 5 साल रिबिना कटकर को 10% कमीशन खाने वाले, गुत्थेदारों की बात करने वाले, ऐसे होना है कि तुम्हारे मिल्लत के लिए, गरीबों के लिए ठेला बंडी पुलिस वाले मार का कारण लड़ने वाला होना है, इसके लिए पूछने आए हो। तुम साथ देने का वादा करते हैं तो ठहर, तो मेरा वोट बैंक नहीं, मेरे पीछे बहुत बड़ा लीडर आके ठहरते जाते, उसके जात के वोट नहीं, मेरे को वोट बैंक नहीं, मेरे को आपकी जबान होना, आपका वायदा है तो आगे बढ़ते, मैं तो खामोश हो जाता हूँ, बाद में मेरे दिल में मलाल नहीं रहना, अरे भाई नासिर भाई नासिर तू कोशिश नहीं करे, आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, NRC की लड़ाई आती, असेंबली में खामोश रहेंगे मेरा दिल तड़पेगा, तुम लोग बोलेंगे अरे क्या है भाई ये मामला ऐसा हो रहा, बोले जब कुछ नहीं कर सकते, ये 5 साल एक ही वोट डालना फैसला लेना। आगे बढ़ो, मैं जरा आवाज नहीं आ रही मेरे को, वादा है एक होगा साथ देंगे, कोई आगे कोई कोई ठेकेदार है? हम कंपाउंड की तरफ से, मेरा नाम मंसूर पटेल है, कुंजा मासा भी कंपाउंड में हमारा वर्कशॉप है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमर साहब हमारे लिए बेहतर लीडर थे, हमर साहब हमारे, हम हमेशा हमर साहब को भी वोट डालते थे, इस वक्त हमारे साथ हमारे के लिए खड़े रहने वाला एक लीडर चाहिए गुलबर्गे में। मैं उन पार्टी ये पार्टी वो नहीं, हमारे लिए सपोर्ट करने वाला, हम जाकर घर जाकर बुला कर लाकर ये करो साहब बोलने वाला आदमी चाहिए। हम एक मोहतरमा को जाकर ज़्यादा बोल नहीं सकते, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हमारे लिए फिल वक्त 2 बार से इलेक्शन में नासिर उस्ताद खड़े हैं, हमारे लिए स्ट्रगल करे हैं, इसलिए हमारा भी हक बनता है कि इंशाल्लाह नासिर उस्ताद को हम सपोर्ट करेंगे। कैसा करना है अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोग अगर खुल के साथ देते हैं बोले तो आगे बढ़ता हूँ मैं, बिल्कुल इंशाल्लाह साथ देना बस नहीं, ये सारी चीज़ें मामले क्या अफवाहें आते हैं ये आपको मालूम, ये होने वाले अफवाहें आने वाले, खत्म हुआ पूरा, नासिर को कुछ नहीं है, पैसे खत्म हुए, नासिर को जोड़ डाले तो BJP जीतती, ऐसा फिल्म देख लिया ना आप लोग, ऐसा करके जीतने वाले क्या कर रहे हैं BJP, वो अफवाहों का जवाब देना सीखना, अभी से तैयारी, उनका इलेक्शन क्या बोल देंगे उन्होंने, मोहतरमा अरे हमारे लिए ठहरे थे बहुत बड़ा करना करे, बोल क्या तो असेंबली उन्होंने ठहर के बात करे तो गूंज गई, CM डर गया, होम मिनिस्टर डर गया, क्या तो बोलने वाले हैं क्या? कमिश्नर को सस्पेंड करे, उनके भांजे को मारे रोड पे,
भाग के गए, प्रेस मीट करे, सस्पेंड हो गया कमिश्नर है क्या? कंप्लेंट नहीं करेगी? अब आते आपके घर पे आते वीडियो देख के, दो तीन कारनामे बताओ उनके, हम साथ देते हैं। नासिर कुछ नहीं ठहरने लगाते, बोलो समझ रहे? तुम साथ देने का ना को, नासिर को हमीज बोलते बोलते ना, कोठेरा बोल बोलते, एक दो कारनामे बताओ असेंबली में, दो तकरीर दिए सो बताओ, ठीक है? मिलके बैठ के आराम से आपकी इजाज़त लेना, क्या करना, इलेक्शन ठहरना नहीं ठहरना? जरूरी है ठहरने का सर, जरूरी है, हालात पे नजर है, सब चीज़ें जरूरी है। जो जीते हैं उन घर में बैठे हुए खामोश खामोश बैठे, हम हार के लड़ रहे हैं 5 साल नहीं, सही है। तो आप सब इंसाफ करेंगे इस बार मेरे साथ इंशाल्लाह, अच्छी तरह से थोड़ा सा करेंगे हमारे तरफ से, क्योंकि हमारे को ये वही है ये बार हमारे तरफ से कुल दो आदमी और बोले तो पीछे ये साइड में आपसे पूछने हैं, आप लोग साथ देते हैं बोलते आगे देंगे ना नासिर में कैसे नहीं? क्या भाई, आप जरा सब लोगों को बात करने का एक वादा करो, अभी से बात करना खवातीन को, अभी घर के में बोलना हमारी तरफ से तो कुछ, आप लोग सब साथ हैं, सब साथ दिए तो कुछ हो सकता है, होता इंशाल्लाह, हम सपोर्ट करेंगे कैसे सब जरूर 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 इंशाल्लाह। मैं आपसे एक वादा चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी से अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में और खुसूसी तौर पर खवातीन में बात करना, फैमिलीज में खास करके, लेडीज को अभी उसका थोड़ा सा इल्म होना, ना सिर्फ उस्ताद को हम दे रहे हैं बल्कि आप बोल रहे हैं क्यों देना है, वो जरा घर में खवातीन को भी बोलना कि किस तरह से मामला आता है, किस तरीके से नासिर आगे बढ़ कर काम कर रहा है, लड़ रहा है, सीट बचाने का नुकसान कितना बड़ा हुआ वो देखें आप। सीट बचाने के लिए जब कांग्रेस को वोट डाले तो सीट बचती है, तो मेरे को भी वोट डाले तो सीट बचती है, कांग्रेस को वोट डाले तो तुम्हारे घर के 10 वोट कांग्रेस को डाले तो 10 गिने जाते, मेरे को कितने गिने जाते डाले तो 10 ही गिनते ना, सब एक होकर मेरे को डालना। 5 साल मुसलसिल तौर पर जो आवाज़ उठा रहा है मिल्लत की, कौम की आवाज़ उठा रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, उसका साथ देना है क्या? 5 साल में एक बार बीजेपी का डर बता के वोट लेने वाले का साथ देना है? जवाब देने वाला होना होगा, हाँ होना वाला, देने वाला होना, उसके लिए आप सब लोग जरा पहल करना ना, नहीं तो आप क्या वो ठेकेदार बाहर आए तक इंतजार करना है क्या? आते हैं आपको भी आज समझाते हो ना, कैसा जीतते बोलो नासिर बोल के वोट डाले तो जीतते, पूरे एक हो को काम करते काम वो एक होना है, किसके लिए होना वो भी होना ना। नासिर उस्ताद साहब की आज नॉर्थ में ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है, लिहाजा नॉर्थ के सारे मुसलमान कमेटी के लोग नासिर उस्ताद को क्या मालूम वोट देकर कामयाब करिए, इतनी मैं गुजारिश कर सकता हूँ। तो कौम की मिल्लत की क्या मालूम है लीडरशिप होना ना, लीडरशिप के लिए करना है हर काम में, क्या मालूम है मिल्लत के लिए क्या उन्होंने मेहनत करने ज़्यादा कोई नज़र ही नहीं आ रहा, इसलिए क्या मालूम नासिर उस्ताद को क्या मालूम है वोट डालना चाहिए, उनका ही ख्याल रखना, नहीं तो हमारे वोट बढ़ जाते नहीं तो वो दलिंदर मोदी को फायदा होता। हाँ दिल में असर का कर रहा, पूरे जमूरत का गला घोट रहा, हमारे लोगों को समझ नहीं हो रहा। 5 साल उसके खिलाफ हर पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहा हूँ मैं, मेरा साथ देना बिल्कुल, घर में सोए इस वाले को किसी को वोट नहीं देना बिल्कुल सर, पार्टी के नाम पर उसके नाम पर मेरे लड़ने वाले के साथ नाइंसाफी मत करो बिल्कुल। जो हमारे पास आए थे वोट के लिए उनका आना बेकार नहीं जाना, हम सब उनके बारे में सोचना चाहिए और आजकल के माहौल के हिसाब से हम उनको उनका हाथ मजबूत करना, उनको वोट देकर कामयाब बनाना, हमारे वोट बढ़ जाने से दूसरों को फ़ायदा होता है, ये गलत हुकूमत को निकाल देना, नासिर उस्ताद को कामयाब बनाना इंशाल्लाह उनके साथ अल्लाह है, कामयाबी कदम चूमे नासिर हुसैन उस्ताद की, आप सब लोग नासिर हुसैन उस्ताद का साथ दो इंशाल्लाह, मैं भी नासिर हुसैन उस्ताद को ही वोट दूंगा। ये हक बात को लड़ते हैं हमेशा, हक बात के लिए लड़ते हैं और हक बात करने वाले की आवाज़ को दबाया जा रहा है आजकल जमहूरियत के खिलाफ, जमहूरियत की आवाज़ जो उठाते हैं उनको हैरान करने, फिर भी नासिर हुसैन उस्ताद कोई से डरते नहीं है और हक बात करते हैं हमेशा, और हक बात करते हैं और हक बात करते रहेंगे, अल्लाह इनको और नेक तौफीक दे हक बात करने की। हदीस है जानते हैं मौलाना मेरे भाई के क्लासमेट हैं, बिल्किस नाम की शहजादी थी, औलाद औरत की क़ियादत बर्दाश्त नहीं करता अल्लाह, बल्कि उसको महर बना के दिए सर, तो इनको क्या करेंगे? हम जब भी बोले कि यंग पर्सन को लाओ बोले तो नहीं सुने, अब तो इंशाल्लाह हो जाएंगे अल्लाह करीम, अल्लाह आपको कामयाब करे आपके मकसद। पापा के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, विद्यानगर में था रशीद के घर के पास, जी जी जी, हाँ अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह उस करने वाला हूँ, ऑटो में बैठ कर अगर मुसलमान कैंडिडेट चुने लेंगे तो फेल हो जाएंगे तुम जिंदगी में, मैडम क्या करें कुछ भी नहीं कर सकते,
50,000 करोड़ बड़े की प्रॉपर्टी बना को गए उन्होंने किस्तू भाई बुलेट प्रूफ भी नहीं लिए भाइयों के बच्चे भी नहीं लिए। दुआ कीजिए चलो अल्लाह कामयाब करे आपको। वादा कर रहे हैं आप साथ देने का 100%। आप लोगों को 5 साल का भी तकलीफ अच्छे बुरे में आके लड़ने वाला होना है क्या? बड़े सेठ लोगों के पास जाकर में साथ देने वाला ही चाहिए। 5 साल में लड़ रहा हूँ ना देखते हुए आते हैं तो क्या करना हम इलेक्शन फिर ना आप सब लोग साथ देते खुल के बोल दो आ तो क्या कोई बोले तो फिर बाद में लास्ट में फिर पलटते हैं। 5 साल में आता है एक बार 5 साल में एक बार जरा आप खुल के अगर साथ देते हो इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूँ ठीक है।